Hi guys, this is Akanchal. Welcome back to my channel, and I'm so happy if you take a moment and subscribe to my channel. So मुझे देख के लग रहा होगा ना कि आज हम एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं. तो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक रेड या मेहरून स्मोकी आईज, जो कि पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. एंड ऑल्सो आप किसी फंक्शन में, मतलब नाइट फंक्शन में इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे डे में भी ट्राई कर सकते हैं. उस टाइम हम ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई ना करें, सिंपल सी रखें तो वो भी कर सकते हैं. तो हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ. बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये वाला ड्रेस है जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये मैंने लिया था बेरी लश से. एंड इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मिंत्रा पे भी अवेलेबल होते हैं, शायद आजियो पे भी अवेलेबल होते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस में. तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे फर्स्टली मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया. देन आई एम गोना यूज़ दिस अनलॉक मिक्सीफाई का रेडियंट ग्लो सीरम. इसका रिव्यू मैंने शेयर किया है, तो आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. देन इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस प्राइमर, एस क्यू का प्राइमर है. ये मेरा फेवरेट प्राइमर है. आपने देखा होगा मैं मोस्टली वीडियो में यही प्राइमर यूज़ करती हूँ. और प्राइमर लगाने से जो भी हमारे पोर्स होते हैं वो, मतलब जो भी जहाँ पर भी हमारी स्वेटिंग एरिया होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शुगर का फाउंडेशन. इसका शेड मुझे याद नहीं है, मैं नीचे डाल दूँगी. ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है गाइस, मतलब ऑयली टू नॉर्मल हर स्किन के लिए सूटेबल है. देन इसके अंदर से इजीली अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है ब्लेंड कर लूँगी. मैंने हल्का सा वेट कर लिया था, और आप लोग अभी देख लीजिएगा कितना अच्छा मेरे फेस पर ग्लो आ रहा है, और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस कंसीलर, और जो भी मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं या फिर मेरे जहाँ पर डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे मैं इसे लगा के सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे सेट कर लूँगी. देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ दिस फेसेस का फेस पाउडर, ताकि कॉम्पैक्ट पाउडर बोल सकते हो आप, ताकि जहाँ पे भी मैंने अपना फाउंडेशन लगाया, मैंने कंसीलर लगाया, वो अच्छे से सेट हो जाए. देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस बेबी जॉनसन का पाउडर बेक करने के लिए जस्ट अपनी आईज को. फिर मैंने यूज़ किया दिस फेबल का आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने हल्का सा न्यूट शेड जो है थोड़ा डार्क न्यूट शेडों से लेके मैं अपनी पूरी अपर जो आईज़ वाला कॉर्नर होता है वहाँ पे अप्लाई करूँगी. अपर वाले पे दोनों साइड, दोनों आईज़ में अप्लाई कर लूँगी. देन मैं रेड वाला लेके इसे अपने लोअर आईज़ में पूरा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने रेड आउटफिट पहना है तो मुझे रेड स्मोकी आईज़ या पिंक हल्की सी स्मोकी आईज़ आप बोल सकते हो वाला लुक क्रिएट करना है इसीलिए. और जो ये आई शेडो पैलेट है मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, और ये काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है. तो मैं अपनी दोनों आईज़ में जो भी मैंने शेड लिया उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं दिस हल्का सा रेड शिमरी टाइप का शेड है उसे लेके लगा दिया, और उसके बाद मेरे पास रेड आप बोल सकते हो ग्लिटर शेड नहीं था, इससे मैंने हल्का सा पिंक ग्लिटर शेड था, तो वो मैंने अच्छे से अपने दोनों आईज़ पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर दिया है. देन मैं अपने इनर कॉर्नर पर हल्का सा हाईलाइटर लगा दूँ, क्योंकि आईज़ को ब्यूटीफुल दिखने के लिए हाईलाइटर इज़ मस्ट. और जो भी मेरा एक्सेस पाउडर है वो मैं सब रिमूव कर दूँगी इसके बाद. एंड देन मैं दिस रेड शेड को अपने नीचे आईज़ के कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जब भी मैं काजल लगाऊँ तो वो अच्छे से, मतलब स्मजी सा मिक्स हो जाए. और उसके बाद मैंने अपना लैक्मे का लाइनर लगाया. एंड देन इसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, जो कि बहुत मस्त है अपनी आईज़ को ब्यूटीफुल दिखने के लिए. देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस फेसेस का काजल. ये काफ़ी अच्छा काजल है, और ये बहुत ही ईजिली जो है स्मज सा भी हो जाता है, और बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये काजल. वैसे मेरे पास एक शुगर का काजल भी है, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी उसे यूज़ करा जाएगा. तो उसके बाद मैंने हल्का सा ऐसे ही अपना जो भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया अपने मेकअप को बहुत थोड़ा सा. एंड देन मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस NYB की कॉन्टोर स्टिक. इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में मैंने इसकी इतनी तारीफ़ कर दी है, अब क्या क्या कितनी बार इसकी तारीफ़ करी जाए. तो मैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे कॉन्ट्रो स्टिक है अभी देखिएगा, मैं बहुत ही जल्दी से इजीली ब्लेंड कर लूँगी, और बिल्कुल भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा इसे पैच नहीं करना पड़ेगा. अभी देखिए मैं ब्रश की हेल्प से इसे बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लुक देता है. आप लोग देखिएगा अभी लुक एट दिस, कितनी ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. तो देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शुगर का हाईलाइटर, जस्ट टू हाईलाइट मेरी चीक्स को हाईलाइट करने के लिए. और ये काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, शुगर का हाईलाइटर. इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ही क्या बोलूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा ये कितना अच्छा हाईलाइटर है. और हाँ, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो आप कॉस्टली है, 400 समथिंग का है, बट ये बहुत ज़्यादा चल जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है, पता नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा यूज़ करना, शायद चले ना चले.
देन मैं यूज़ कर रही हूँ दिस NYBK की लिपस्टिक। इससे पहले मैंने एक्चुअली शुगर का जो मिनी लिपस्टिक आती है वो रेड लगाई थी, जो कि मेरे फेस पे सूट नहीं करी थी, इसलिए मैंने दोबारा चेंज करके NYBK की लिपस्टिक लगाई। देन मैंने अपने मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग्स पर यूज़ किया और दिस इज़ दी फाइनल लुक गाइस। और आप लोग को ये लुक कैसे लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या नहीं। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं हल्की सी स्मोकी आई करूँ, तो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आपको मेरा दिस पिंकिश या रेड ग्लिटर आई लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।